Hello, दोस्तों. I'm live again with Unacademy in the newsroom. All right, and थोड़े कुछ लोगों को आने देते हैं. Let some people join, then we'll continue with the topic today. राइट, सो आज का जो टॉपिक है वो है फिल्म सर्टिफिकेशन के ऊपर. स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूंगा कि सीबीएफसी क्या है, सीबीएफसी कैसे बना, क्यों बना, एंड फाइनली कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ एनी मूवी और एनी फिल्म. सो क्योंकि आजकल यू नो बिकॉज ऑफ सर्टेन मूवीज एंड नॉट इवन यू नो अभी हाल में भी नहीं, कुछ दो तीन चार पाँच छः सालों से, इनफैक्ट इवन 10 सालों से बोल सकते हैं कि बहुत न्यूज़ में रहता है कि सर्टिफिकेशन कैसे होता है, क्यों होता है, कुछ मूवीज़ को सर्टिफिकेशन ढंग से नहीं मिलता है, व्हाट इज़ डिज़ायर्ड ऐसा नहीं मिलता है. सो काफ़ी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म रहता है, सीबीएफसी को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है. सो आई थॉट कि क्यों ना एक बार डिस्कस किया जाए कि सीबीएफसी एग्जैक्टली है क्या, उसके यू नो हाउ इज एग्जैक्टली द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, क्योंकि नहीं तो हम लोग यू नो बस ऐसे ही करते रहते हैं कि ऐसा किसी के विम्सिकल डिसीजन की वजह से प्रोबेबली सर्टिफिकेशन मिलता है, विच मे नॉट बी दी सब्सटेंस, विच मे नॉट एक्चुअली द सब्सटेंस इन द इन प्रोसेस. ऑलराइट, सो देयरफॉर आई थॉट लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ यू नो एनी मूवी सर्टिफिकेशन. तो स्टार्ट करते हैं पहले कि सीबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. ऑलराइट, ये एक सेंट्रल बोर्ड है जो यू नो आपके इट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये आपके प्रीलिम्स में सवाल इस टाइप से सीधे आ सकता है ऑन सीबीएफसी, सो प्लीज यू नो नोट दीज स्मॉल स्मॉल डिटेल्स. पहली बार स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है इसका मतलब कोई एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके बाद ये आपका यू नो सीबीएफसी कॉन्स्टिट्यूट किया गया होगा. सो ये आपका सिनेमाटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952 का जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है इसके तहत बनाया गया था. राइट, एंड ये रेगुलेट करता है पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स. तो जो भी फिल्म्स की पब्लिक एग्जीबिशन है उनको रेगुलेट करता है, सर्टिफाई करता है. राइट, एंड ये जो है आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसके अंडर सीबीएफसी आता है. एंड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 के तहत बना है. राइट, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्यों बना, क्योंकि यू नो आप कह सकते हो कि वी हैव अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ यू नो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट द थिंग इज विच इज टू बी नोटेड इज आर्टिकल 19 के अंडर ही आपके रीजनेबल यू नो रिस्ट्रिक्शंस हैं. आपके बहुत सारे जितने भी हमें फ्रीडम दिए जाती हैं, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत आपके सीबीएफसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. राइट, सो एंड जो एग्जैक्ट अगर हम लोग आर्टिकल 19 का ही देखें, सो कहते हैं कि कोई भी वर्क विच इज डीम्ड अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन या इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, इन सब के ग्राउंड्स के ऊपर यू नो देयर कुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं कि इसी चीज को यूज करते हुए सीबीएफसी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. एंड क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, लार्जली बिकॉज यू नो सोचा गया है कि यू नो फिल्म्स जो है वो बहुत टाइप के लोगों को पहुंचती हैं, इट इज अवेलेबल टू एवरीवन, देयरफॉर पीपल हैव इंप्रेशनेबल माइंड्स, एंड दैट वाज द कोर रीजन ऑफ व्हाई यू सीबीएफसी वाज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड. अब सीबीएफसी के जनरली चार वो होते हैं, आपके चार यू नो रेटिंग्स हैं, यू, यू ए, ए एंड एस. जनरली एस है जो यू नो लेसर नोन है, सो मैं चाहता हूँ कि चारों एक बार डिस्कस कर लीजिए क्या मतलब होता है. यू इज अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब कोई भी देख सकता है उसको, एनी एज ग्रुप, एनी पर्सन कैन वॉच दोज मूवीज. द सेकेंड इज यू ए विच इज पेरेंटल गाइडेंस इज नीडेड बिलो द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 12. तो 12 साल से जो छोटे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको यू नो दे कैन नॉट सी दीज मूवीज, वो इन मूवीज को अकेले बैठ के नहीं देख सकते हैं, एंड पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है. जो तीसरा है विच इज ए रेटेड, विच इज दी यू नो रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ एडल्ट इनको देख सकते हैं अबव एज ऑफ 18. एंड देन वी हैव एस विच इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन. सो ये बहुत लेस कॉमन आपको यू नो जनरली नहीं दिखेगा, ये कुछ स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन है उन्हीं के लिए रिस्ट्रिक्टेड, इसलिए एस रेटिंग होती है. अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एनी सर्टिफिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. इससे आपको पता चलेगा कि हाउ एक्चुअली एनी मूवी स्क्रीन थ्रू बाय सीबीएफसी. सो दो टायर प्रोसेस होते हैं. द फर्स्ट है
कि एक एग्जामिनेशन कमिटी होती है और एन एडवाइजरी पैनल, सो एक एडवाइजरी पैनल है पूरा, इट्स अ पैनल ऑफ पीपल एट रीजनल सेंटर, सो अराउंड यू नो आई थिंक 9 है, हाँ 9 है हमारे कंट्री में रीजनल सेंटर, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, तिरुवंतपुरम, हैदराबाद, कटक एंड गुवाहाटी में सिचुएटेड है। इन जगह पे जो आपके एडवाइजरी पैनल्स हैं या जिनको एग्जामिनिंग कमिटीज बोलते हैं, ये पहले मूवीज को देखते हैं। सो ये लोग मूवीज को देखते हैं और ये लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। सो इट इज एसेंशियली एट द फर्स्ट इंस्टेंस दीज कमिटीज, दीज एडवाइजरी पैनल विच कम अप विद द रेटिंग। सो ये लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या रेटिंग दी जाए, राइट? एंड जो मेंबर्स हैं इन पैनल के, ये नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा different walks of life over a period of 2 years, so 2 साल के उसमें different walks of life, it could be you, me as well, you know, there are certain parameters by which the central government appoints these people, but it ऐसा कुछ नहीं, you know, they are ministers or they are bureaucrats, they are people from the normal walk of life essentially, alright? इसके बाद so this is the first step, इस पे आपकी rating मिल जाती है। अगर इसके बावजूद आपकी जो film maker हैं वो अगर dissatisfied हैं, unhappy हैं of the certification, वो एक सेकेंड व्यूइंग के लिए डिमांड कर सकते हैं। सो जो भी डायरेक्टर है फिल्म मूवी है, यू नो फिल्म मेकर है मूवी का, सो ही कैन आस्क फॉर अ सेकेंड रिव्यू। और इसको कहते हैं रिवाइजिंग कमिटी। तो इस रिवाइजिंग कमिटी में क्या है कि इसका फर्स्ट ऑफ द मेजर थिंग ये है कि रिवाइजिंग कमिटी में जो लोग एडवाइजरी आपके पैनल में थे या एग्जामिनिंग कमेटी में फर्स्ट इंस्टेंस में थे, वो लोग मेंबर नहीं होते हैं। ऑब्वियसली नहीं होंगे क्योंकि उन्हीं लोग ने सर्टिफिकेशन दिया, तो देर वुड बी अ बायस, राइट? अगर सेकंड स्क्रीनिंग में एक भी बंदा आ जाता है तो ही माइट, यू नो, इन्फ्लुएंस अदर्स। सो ये नहीं किया जाता है। सो डिफरेंट पीपल होते हैं ऑल टुगेदर। दूसरी एक कमेटी बैठती है विच इज द रिवाइजिंग कमेटी, एंड इसमें कोई भी मेंबर नहीं होगा अर्लियर कमेटी से। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड मेंबर हैं, वन और मोर मैंडेटरीली होना चाहिए। सो अभी आप देखिए कि इससे पहले तक जो फर्स्ट स्क्रीनिंग, जहां तक जनरली मोस्ट ऑफ द मूवीज गेट स्क्रीन हियर इट्स, वहीं पर यह रेटिंग हो जाती है, वहां पर कोई भी बोर्ड मेंबर नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट जनरली नहीं होता है। एंड बट जो सेकेंड आपके रिव्यू कमिटी, उसमें तो मैंडेटरीली होना है। सो ऐसा जरूर हो सकता है कि फर्स्ट में कोई बोर्ड मेंबर हो, बट मैंडेट नहीं है, बट सेकेंड में मैंडेट है। सो दैट इज हाउ बोथ द, यू नो, बोथ द कमिटीज आर डिफरेंट। ऑलराइट, एंड या मैंडेटरी होना है। इस स्टेज पर बोर्ड मेंबर इन्वॉल्व होते हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस में। ऑलराइट, एंड या ऑलराइट, आगे देखें कि सो ये दो स्टेजेस के बाद भी जनरली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सॉर्टेड आउट, बट स्टिल इसके बाद भी अगर नहीं है तो बिकॉज यू नो आप जैसे हमारे जुडिशियल सिस्टम भी देखिए, सो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यू नो देयर आर ट्रिब्यूनल्स हैं, तो ट्रिब्यूनल है, फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसी तरीके से एफ कैट होता है हमारे यहाँ, विच इज फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। सो देयर इज एन एपेलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर दीज टू स्टेजेस एज वेल। सो पहला स्टेज हुआ आपका इनिशियल स्क्रीनिंग, दूसरा स्टेज हुआ कि यू नो अगर इफ द फिल्म मेकर इज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेकंड स्क्रीनिंग पे जाते हैं। उसके बाद भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है, देन दे गो टू एफ कैट, विच इज द फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। और ये रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट यू नो इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड ये बेस्ड है न्यू दिल्ली में। सो यू कैन सी थ्री स्टेजेस, थ्री स्टेप्स एक तरह से, फर्स्ट, second and then the appellate, which is the FCAT. All right, so ye log bhi they take this this step. All right, but the thing is, agar yahan par dekho, yahan tak abhi hum log ne sirf certification ki baat ki hai, and there are two terms which are to be used. First is the certification and second is the censorship. All right, so abhi to censorship nahi aaya hai, censorship has not come because aapka jo CBFC hai uska major jo work that is of certification and not of censorship as such. देन क्या है, when does the censorship come, जिसके ऊपर ज्यादा, you know, there's a lot of debate, discussion and you know criticism regarding censorship altogether. Certification तब भी बहुत लोग accept कर लेते हैं, but there's a lot of you know UN cry against censorship altogether because it is said that it infringes the freedom of speech and expression. So the thing is कि यहाँ तक जो भी certification है, that is notional certification in the sense कि the central government and the state government can take a call whether they want that particular movie to be screened in their respective jurisdiction or not. So sent, you know, so aapne bahut baar suna hoga ki koi particular movie hai because it you know incites some kind of you know it has something against a certain community, for instance, right? So it may or a state, for instance, then wo particular state keh sakta nahi hai ye movie hamare yahan nahi ho sakti, ye hamara screen nahi ho sakti hai. So that is where the censorship actually comes in place.
सेंटर गवर्नमेंट भी कह सकती है कि चलो पूरे इंडिया में नहीं हो सकती, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लाइक सो ऐसे केसेस भी रह चुके हैं पास्ट में वेयर यू नो सर्टिफिकेशन हो चुका है बट द गवर्नमेंट्स हैव सेड आइदर इन एट द स्टेट लेवल और एट द यू नो फुल सेंटर लेवल की मूवी नहीं स्क्रीन होनी चाहिए, राइट, सो देयर इज वेयर द सेंसरशिप कम इन एंड व्हिच इज यू नो सेल्डम यू नो ऑफन क्रिटिसाइज्ड, राइट. Then that is the procedure. So you should now know ki kaise you know any certification is done. It is not ki matlab at the whims and fancies of you know one person aapki censorship hui. That is what I actually wanted to bring about. Alright, there still might be influenced by a certain quarter. That is not one. That is not something which I am denying at all. But the fact remains that at a as a process, as a organization level, CBFC works in a manner in which there are panel. There is a panel which actually decides the. The certification, right? Then the question remains ki does ki abhi bhi kya you know in the 21st century and we being one of the world's largest democracy ke world's largest democracy mein CBFC ki abhi bhi need hai, that is the main question which is to be you know which is to be talked about ki jahan pe hum log freedom of speech and expression ke you know bulwarks hain, we talk about so much of that ki kya hum log ko still you know still सर्टिफिकेशन की जरूरत है कि नहीं, राइट, एंड स्पेसिफिकली जब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड सब कुछ डाउनलोड हो सकता है, सब कुछ यू नो यू हैव डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट इज अ डिबेट विच इज टू बी टॉक्ड अबाउट, यू नो एंड आई एम नॉट यू नो इम्पोजिंग समथिंग ऑन यू, इट इज अप टू यू टू डिसाइड, यू कैन बी यू नो यू कैन बी आइदर ऑप्शन, बट इट इज समथिंग विच इज टू बी डिबेटेड एंड इट्स टू बी ब्रेनस्टॉर्म्ड अबाउट कि क्या सीबीएफसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सो देर वुड बी यू नो ऑब्वियसली देर विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज which I leave up to you guys. But it should be noted what is the exact procedure of CBFC, how it functions, and how is actually a movie certified. Alright, that is all what I wanted to talk about. Yahi baat karna tha aaj aap logon se. Thank you so much. Have a great day ahead.